राजा बाबू रेडी हो डकार ले ली नो नो चिंगला ला हु वी रॉक थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ तू बोल्टी हो गई है नीनी नहीं आ रही बेटी आपको बिगली बिगली जान में जान आई और कुछ ऐसी ऐसी बातें बतानी है जो शायद हमने कभी YouTube पे बताई नहीं है तो आज होगा उन सारी बातों का खुलासा बहन कह रही है बाय बाय छोरा हरियाणे का छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए रात के 3 और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे साइड में पायल बैठी हुई है, वो मुझे देख के हंस रही थी कि मैं आज वेलकम बैक कर रही हूँ। तोहफा मेरा तोहफा है ये जो उठ गया है और मैंने यहाँ पे गाइज अयान को सुला दी है। जैसे अयान को सुलाया जय दूर गया। तो गाइज आज फिर ना मैं और पायल सो नहीं पाए, सो इसलिए नहीं पाए क्योंकि 9:30 बजे बच्चे सो गए थे, ज्यादा अभी उठा है 1:30 बजे के करीब। और हमने सोचा था हम सो जाएंगे बट उस टाइम पे हम केक कट कर रहे थे। केक क्यों कट करे थे? क्योंकि हमारा जो गाना है वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे खुला था। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिल से, जिसने अभी तक सॉन्ग नहीं देखा जाके जरूर चेक करें 1 रिकॉर्ड्स पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ और साथ ही साथ ना मैं आपको गाने की थोड़ी सी झलक भी दिखा देती हूँ। एक दो लाइन लगा दो। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आज नाइट की ड्रेस क्या है बच्चों की। आपने हाल फिलहाल देख ही रखी है वो ड्रेस, फिर भी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस जो हमारी प्रिंसेस है उसके लिए हमने नई ड्रेस पहना रहे हैं क्योंकि ये हमारी प्रिंसेस है, थोड़ा सा लाड ज्यादा आता है लड़की पे। तो ये है तूबा की, तूबा की कॉस्ट्यूम है अंदर की और उसके ऊपर की तू बगी और पाल ये वाली जो ड्रेस है मुझे लग रहा है लक्ष्य देखिए श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है। तो हाँ, अब आयान को नहीं आई। हाँ तो ये पहनेगी तूबा। तो इस लड़के को लग रही है ठंड, जब भी इसको ठंड लगती है ना इसके हाथ, तो इसके हाथ पर नीले पड़ने लग जाते हैं। इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन है, इसलिए फटाफट इसको सबसे पहले इसको पहनाती हूँ कपड़े, ठीक है? हाँ हाँ। तो गाइस यहाँ पे कर रही है पायल दीपक को तो गाइस आज ना मुझे दीपक की याद आ गई, आज ना दीपक की बातें कर रहे थे तो दीपक निकल गया मुझसे। फोन पे बात भी करी थी कल, भी करी थी आज भी। यहाँ पे पायल कर रही है जैद को रेडी। तो जब ना बच्चे ना हाथ में कड़ा पहनते ना छनछन वाला, तो आज ना पहना है जैद ने चीकू का छनछन वाला कड़ा। तो थोड़े दिन बाद पहनाएंगे हम अयान को कड़ा, उसके बाद पहनाएंगे तूबा को। तो ऐसे लगता है ऐसे घर पे ना कोई लड़की पायल में घूम रही है, आवाज आती है छन छन। पर इसकी आवाज के सामने मेरी आवाज दब गई है गाइस। ये ले, ये देख, देखो छन 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 छन। राजा बाबू रेडी हो डकार ले ली। बर्ब लिया इसने अपना, बर्ब वीक हो गया है ना। क्या देख लेते, इधर क्या देख रहे हो? बोलो, ब्लिंक तो करो। नहीं करेगा, नो नो नो, करो बेटे, हाथ में बचा के दिखाओ, इधर आके दिखाओ। समझती है ना, ये जंगल से आई है पायल। इसके जंगल, इसके हुला, क्या कर रही है? जिंगलाला कितना अच्छे से सुन रही है। जिंगलाला जिंगलाला हमारे चौकीदार हैं, रात भर रखवाली करते हैं हमारे चौकीदार ना। तो ये जो तूबा है ना, मेरी तूबा रानी, वो इसलिए रेडी हुई है क्योंकि मार्को गाइस रात को ही टाइम मिलता है बच्चों से खेलने को। क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह इतने सारे काम होते, कभी कोई काम कभी कोई काम, बच्चे सो रहे होते हैं रात को, रात की नींद सुबह पूरी करते हैं हम लोग। हम 1 बजे उठते हैं। तो गाइस मेरे को ना तूबा पे बहुत अच्छा लगा, ये बैंड बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ना बहुत सारे बैंड्स मंगवाए तूबा के लिए। ये लगा लो कि हर एक बैंड ना 5 या 6 है, तो उसके लिए 15-16 बैंड्स मंगवाए अलग अलग कलर के। तो अब क्या होगा, तूबा कोई भी ड्रेस पहनेगी ना तो हम मैचिंग बैंड पहनाएंगे। और यार ये चीज ना बहुत हमें, मेरे को पायल को बहुत टाइम से शौक था। हम कभी मार्केट जाते थे ना तो हम हमेशा सोचते थे हमारे घर में लड़की हो तो हम ये ले, कभी लड़की हो तो हम चप्पल ले, हर चीज सोचते थे ना लड़कियों की। अरे हमने फ्रॉक भी ली थी तो हम दुकानदार को बोल के आए थे ना कि भैया देखो हमें लग रहा है लड़की तो आएगी, अगर 1% नहीं आई ना तो वापस ले लेना, पर ऐसा मौका ही नहीं मिला गाइस। वी रॉक्ड। तो गाइस बज गए हैं रात के 4 और बस अभी तीनों बच्चे सो गए हैं। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ, तूबा की आवाज आ रही है हल्की हल्की आ आ करके। तू बोलती हो गई है, तूबा को क्या हो गया? पायल ये अपने पूरी तूबा अपने पल्टी मारी, इसका मतलब ये तो बहुत जल्दी पल्टी मारी। लड़की है ना, लड़कियां बहुत एक्टिव होती है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो दोनों भाइयों को पीछे छोड़ देगी हमारी लड़की, और फटाफट चलेगी, क्रॉल करेगी, दौड़ेगी, भागेगी। तो गाइस बच,
तू पायल मुझे आवाज कर रही है, तो बस मैं काम करती हूँ, अभी थोड़ी देर में व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि अभी तू बस सोने वाली है, गहरी नींद में जा रही है, मेरी वैसे उठ जाएगी। तो गाइस सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 5:45 हो गए हैं और ये जो जैद है ना जाग रहे, देख रहे हो जाग रहे, सब सो रहे हैं, बाहर पायल भी सो रही है, अयान तूबा, क्योंकि जस्ट अभी पायल अभी जस्ट 10 मिनट पहले सोई है, इसको इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ मैं सुलाने की, बट ये लड़का ना सो नहीं रहा, ये जाग रहा है। मतलब रोज सुबह होती है सोने में, 4:45 हो गया, रोज सुबह होती है, कभी 5 बजते, कल 6 बजे से, तीन दिन से आज मेरी चौथी रात है कि मतलब कि बिल्कुल रात को नहीं सोती, रात की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिल्कुल नहीं सो पाते क्योंकि बच्चे क्या है सुबह सोते हैं रात को जागते हैं। तो आप लोग ना कमेंट में बताना क्या करें कि ये बच्चे रात को टाइम से सोए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी बज रहे सुबह के 11 और मैं उठ चुकी थी 9 बजे क्योंकि मेरा जो अयान है वो उठ गया था, उसको सुलाते सुलाते फिर तूबा उठ गई थी, फिर दोनों को सुलाते सुलाते मेरी नींद उड़ गई, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं करा रही थोड़ी डिटेलिंग सफाई किचन की क्योंकि किचन की सफाई हुए काफी टाइम हो गया। तो भाई इन दोनों को मैंने सुला दिया है, पर मेरी नींद उड़ा दी है, जब नींद आई जब तक गोलू सो रही है तब तक मैं जाग लेती हूँ, फिर जब मैं सोऊंगी तो गोलू जाग जाएगी। तो टाइम तो आपने देख ही लिया, 11:02 हो गए। ये वाली सारी कारपेट ना अभी ट्रैकिंग होकर आई थी, तो मैंने सोचा था गाइस कि मैं इनको लगा दूंगी, पर मैं अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़े दिन बाद लगाऊंगी इनको। घर पे जो धुल सकते हैं ना वो सारे मैट मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, आज घर पे धुलेंगे। उसको बोलते फ्यू आवर्स लेटर का मतलब होता है कुछ घंटों बाद। तो अभी आपको लक्ष्य देने वाली है बिफोर जिम बिफोर वर्कआउट मील, फर्स्ट मील। इसको पहले रोस्ट किया है सिंपल, उसके बाद दूध डाला है, दूध में बॉईल किया अच्छे से, फिर इसमें ठंडा होने के बाद बनाना डालेंगे, बनाने का छोटे छोटे पीस काटने हैं ताकि खाने में इजी हो, और इसमें प्रोटीन है। अच्छा किसको तूने रोस्ट किया ये तो बता दे, ये तो बताया नहीं। ओट्स क्विक ओट्स। गाइस अभी बच चुके हैं 12 और यहाँ पे चीकू भी उठ के आ गया है मेरी। ओए मम्मा देखो मुझे ये फट गया, चोट है ना वो उसका क्रोन निकल गया। तो गाइस अब ना तूबा की शक्ल ना अयान जैसी होती जा रही है धीरे धीरे ना। तो गाइज आज हम जा रहे हैं सहारनपुर किसी काम से, यानी कि मैं जा रहा हूँ, सूरज जा रहा हूँ, और देखता हूँ कौन कौन जाएगा। चीकू डूब चलेगा आज, चीकू की छुट्टी आया, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ चीकू को घुमा के ले आऊं। तो गाइस तीनों बच्चों के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, तो तूबा ने पहने हैं प्रिंटेड कपड़े, बस तूबा रेडी हो रही है, जैसी रेडी होती है दिखाती हूँ तूबा को। ये वाले जो दोनों कपड़े हैं ये है जैद के, अयान के, दोनों में से दोनों भाई कुछ भी पहन लेंगे। तो गाइस पायल का जो शावर है हो गया, मैं भी जा रही हूँ शावर लेने के लिए, तीनों बच्चे हमारे आराम से सो गए हैं, तो अभी क्या है फटाफट शावर लेने के बाद जो थोड़े बहुत काम है ना घर के वो निपटा लेते हैं क्योंकि 1-2 घंटे बाद बच्चे उठ जाएंगे। और बच्चों वाले रूम में ना नई बेडशीट बिछी है और इसका जो प्रिंट है ना बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, पायल को बता देती हूँ, पायल ने अगर नहीं देखा से पायल ने पसंद की होगी बेडशीट, पर बिछने के बाद ज्यादा सुंदर लग रही है। नीनी नहीं आ रही बेटी आपको, सारे भाई बहन सो रहे हैं, आप क्यों नहीं सो रहे हैं यार? तूबा भी सो रही है, जैद भी सो रहा है, सारे सो सो कर रहे हैं। तो तूबा वाले झूले में सो रहा है, थोड़ा सा इसकी बात करो, ये देखो स्माइल कर रहा है। और यहाँ पे है अयान, यहाँ पे है तूबा, और यहाँ पे है इनकी मम्मी, इनकी मम्मी ने शावर ले लिया है और बस कपड़ों पे चेंज करके बैठी हूँ, बच्चे बस वेट कर रही हूँ अभी जब उठेंगे। मैंने दलिया खा लिया था सुबह पर अभी लग रही है भूख, तो खाना अभी बना नहीं है, खाना जब बनेगा तब खाएंगे गाइस। तो ये वाली बालकनी भी पूरी क्लीन करा दी, अभी यहाँ पे कारपेट बिछवा दूंगी जो मंदिर का था, फिर उसके बाद मंदिर सेट करके अच्छे से शाम की पूजा करते हैं। तो गाइस शावर हो गया एकदम डन और सोचो कुछ खा लेती हूँ, पहले कुछ खाएगी, भूख तो लग रही है, खाना भी रेडी है, दलिया है, दलिया तो मैं दलिया खा लेती हूँ। तो गाइस बच गए हैं शाम के 5 और क्या बोलते हैं तीनों बच्चे एक साथ उठ गए थे, जब बच्चे एक साथ उठ जाते हैं ना तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होता है उस टाइम पे व्लॉग लेना, ये लगा लो 2 घंटे से ना कैमरा ऐसे ही रखा हुआ था, मैं सोची व्लॉग लूं। तो अभी जाकर तूबा जो है वो भी सो गई है और जो हमारा जैद है वो भी सो रहा है, तो अयान की आवाजें आ रही है। तो जैद को ना फीड करा दिया था, वो आराम से सो रहा है, इसको बड़ा हो गया ना, इसको टोपी छोटी हुई है, टोपी छोटी हो गई है, छोड़नी को टोपी छोटी हो गई है मेरी बंदी को। तो यहाँ पर ना मैंने तीनों बच्चों के ब्लैंकेट ले लिया क्योंकि अंदर रूम में एसी चल रहा है, तो बच्चों को कैप्स पहना दी, मिटन्स पहना दिए, सॉक्स पहना दी, फुल कपड़े पहना दिए, तो ब्लैंकेट भी ले लिए। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 और सुबह से ये टाइम हो गया, जब मैं सुबह आपको मिली थी ना कि मैं उठ चुकी हूँ और अयान और तूबा को सुला रही हूँ ये वो, मैं तब से 1 सेकंड नहीं सोई हूँ और अभी मेरे सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है कि मेरे को ना जबरन चाय बनवानी पड़ी और चाय पी के थोड़ा मैं गोली, मैंने एक ऑलरेडी गोली खा ली है, एक गोली और अभी खाऊंगी तब जाके मुझे लगता है सर दर्द में थोड़ा आराम आएगा, क्योंकि अगर अभी सर दर्द ठीक नहीं हुआ तो रात को मैं बच्चों को कह
कैसे हैंडल करूंगी। और देखो बच्चे हैंडल तो करने पड़ेंगे क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। यहाँ पे दोनों सोना सोनी सो रहे हैं दोनों, और जैद है जैद, उसको मैंने वहाँ सुलाया है, उसके आसपास ना पिलो लगा दिए और तो वैसे पाल बैठी उसका ध्यान रख रही है। और यहाँ पर चल रही है शाम के खाने की तैयारी, तो इस साइड भिंडी है और इसमें क्या है शांति कुकर में, इसमें छोले डाइट, तो इसमें है छोले और चिपके पापा की बनने वाली आज कुछ डिफरेंट सी डाइट, उसके लिए एवोकाडो और अनियन काट के रख दिया। और जो डाइट है वो बनने वाली है मतलब की व्हाइट वाले जो चने होते हैं उसके अंदर और दलिया के अंदर, तो जैसी डाइट बनती है ना मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना सामान मंगवा लिया है ब्लिंकिट से चीकू के पापा के लिए, क्योंकि उनकी जो डाइट का सारा सामान ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो रैप मंगवा लिया, गार्लिक ब्रेड मंगवा ली, साथ में टमाटोस मंगवा लिए चेरी टमाटोस, और साथ में कुछ मंगवाए हैं नींबू। तो ये सारा सामान शांति को दे देती हूँ क्योंकि अभी चीकू के पापा की डाइट बन रही है और वो डाइट पे आप लोगों को दिखानी है। तो गाइस जो डाइट बनने वाली है दलिया के साथ, दलिया शांति ने बॉईल करने के लिए इधर रख दिया है। पीछे जो हमारे राजमा है और छोले दोनों बॉईल हो गए हैं, तो दलिया जाएगा, सारी वेजिटेबल्स जाएगी, साथ में चने जाएंगे, राजमा जाएंगे, मतलब ये फुल हेल्दी प्रोटीन डाइट है। गाइस ये जो बच्चे है ना ये अभी देखो कैसे कैसे शांति से सो रहे हैं, लेकिन जब इनको सोना होता है ना तब इनकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं होती। जब हमें नींद आती है ना तब ये बच्चे नहीं सोते, हम ऐसे आंखों को ना तरस रहे होते हैं, ऐसे 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 हो रहे थे, कई एक टाइम तो ऐसा आता है पायल कुछ बोल रही थी मैं ऐसे कर रही थी एक आंख से। तो गाइस इनको उठाने पूरा मैं ट्राई कर रही हूँ कि बच्चे उड़ जाए, बिगली बिगली। अच्छा एक एक करके उठाती हूँ दोनों साथ। ओ मुझे लगा ये जैद को उठा रहा है, जैद तो वहाँ पे आराम से सो रहा है जान में जाना ही। तो गाइस यहाँ पे ना गोलू तुबा को लेके आई बालकनी इवनिंग वॉक कराने, इवनिंग वॉक करवा दी, वॉक तो देख लो गाइस कंधे पे लेटा के, दो कदम की वॉक है। आप खुद से वॉक करोगे बेटी, खुद से वॉक करोगे? तो गाइस आज ना मुझे आपसे ना बहुत एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात क्या करनी है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, और कुछ ऐसी ऐसी बातें बतानी है जो शायद हमने कभी यूट्यूब पे बताई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बातें बतानी बहुत जरूरी है। तो आज होगा उन सारी बातों का खुलासा। पकड़े मेरे बालों पे झूला समझ के लटकी हुई है। तो गाइस चीकू जा रहा है अपने डैड के साथ मस्ती करने, ट्रिप करने। तो बाय बाय बेटा, बाय बाय चीकू, हमें मिस करोगे ना, अपनी दोनों मम्मा और तीनों भाई बहन को शैतानियां कम करना, ठीक है? बहन कह रही है बाय बाय, बाय बाय। तो गाइस हमारा न्यू सॉन्ग आ गया 1 रिकॉर्ड पे, जिसने नहीं देखा अभी तक जाके जरूर चेक करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 और पायल जस्ट अभी अभी 1 घंटा पहले सोए, क्योंकि वो मॉर्निंग से ना 9 बजे की उठी हुई थी, मैं तो फिर भी 12 बजे उठी थी, पर वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। शाम को भी इसने कोशिश करी सोने की, जैसे ही सोई तूबा उठ गई, अभी भी देखो जैद उठ गया है, अयान और जो हमारी तूबा है वो सो रही है। तो पायल को आज एक बात भी बतानी थी व्लॉग में, वो पायल बता नहीं पाई क्योंकि पायल सो गई है, मैं नहीं चाहती पायल को डिस्टर्ब करना, यहाँ पे आराम से सो रही है। तो बस गाइस ये वाले व्लॉग को यही एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।